जिला डोडा के भद्रवा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेख मुजीब अली के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। अतार, चिंता और केलार क्षेत्र के 250 कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाना है। वहीं शेख मुजीब ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों ने बीजेपी के खोखले वादे और राष्ट्र की गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने का काम किया है। लोग सब देख रहे हैं, किसान आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है, बेरोजगारी सातवें आसमान पर है, अर्थव्यवस्था सबसे खराब स्थिति में है। वहीं उन्होंने एनसी पर भी हमला किया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। जिला रियासी के सलाल इलाके में किसी बात को लेकर प्रवीण सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी सलाल व बबली देवी पत्नी ठाकुरदास निवासी सलाल के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद प्रवीण सिंह ने बीच सड़क पर पड़े लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे बबली देवी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जिला बांदीपुरा के अष्टांगू गांव में बड़ी मात्रा में दवाइयां, सिरिंजे, सलाइन बॉटल सहित कई बायोमेडिकल कचरे के डंप किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोगों ने कहा कि यहां स्ट्रीम के किनारे स्थानीय दुकानदारों द्वारा ठोस कचरा, चिकित्सा विभाग का कचरा यहां तबाही ला सकता है। ये स्ट्रीम और वूलर रेक के लिए पर्यावरणीय खतरा है। लोगों ने कहा कि कुछ साल पहले ये पानी स्वच्छ, साफ, क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन आज ये दूषित हो गया है। ये पानी अब कपड़े धोने और जानवरों को पानी पिलाने योग्य नहीं है। वहीं लोगों ने प्रशासन से अनुरोध कर मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा में सड़क कनेक्टिविटी ना के बराबर है। आज के दौर में भी लोग सड़क न होने से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गांव तुर्कपुरा में भी सड़क नहीं होने के कारण कैसे ग्रामीण इस बर्फीली इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए जा रहे हैं। गांव में एक महिला कैंसर से पीड़ित है, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लिया जा रहा है। लोगों का आरोप लगाया कि इलेक्शन के दौरान नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, पर कुछ नहीं होता। सड़क न होने से बर्फबारी और बारिश में इस चढ़ाई पर चलना नामुमकिन हो जाता है। भारतीय सेना से बार बार मूंगफली खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ कराने से बाज नहीं आ रहा। आज सुबह एक बार फिर पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में की जा रही घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। जिला सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने मौके पर ही मार गिराया। कोरोना महामारी के बीच 11 महीने के बाद स्कूल आज सोमवार पहली बार पूरी तरह खुल गए। स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं एक साथ लगी। स्कूलों में छोटी कक्षाओं में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के साथ बिठाया जा रहा है। सभी कक्षाओं का अच्छी तरह से सैनिटाइज किया गया। बच्चों के हाथ धोने सैनिटाइजर का भी बंदोबस्त किया गया है। बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग कर हाथों को सैनिटाइज कर कक्षाओं में भेजा जा रहा है। जिला बडगाम में सुरक्षा बलों ने एक सरकारी कर्मचारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक पिस्टल और असॉल्ट राइफल की एक मैगजीन भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों में एक पूर्व आतंकी, एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। ये 3 आतंकी संगठनों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। 3 से पूछताछ जारी है। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के डोरू में ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एसएचओ सैयद नजीर अंद्राबी के साथ डीवाईएसपी डोरू ईशांत गुप्ता द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं डीएसपी डोरू ईशांत गुप्ता ने बताया कि ओवरलोडिंग, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना, क्रैश हेलमेट और ओवर स्पीडिंग आदि जैसे गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानून के तहत चालान काटा जाएगा। कश्मीर घाटी के शोपिया में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट शोपिया द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एआरटीओ शोपिया मौजम अली ने प्रतिभागियों को सलाह दी कि वो गाड़ी चलाते समय तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाने से बचें, कीमती मानव जीवन को बचाने के लिए गलत ड्राइविंग से बचें, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहने। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों और जनता की यातायात नियमों के महत्व के बारे में जानकारी देना है तथा उन्हें जागरूक करना है, ताकि भविष्य में वो सुरक्षित ड्राइविंग की आदत को विकसित कर सकें।
जिला रामबन के बनिहाल में कांग्रेस यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कन्वेंशन में पूर्व मंत्री विकार रसूल भी मौजूद थे। इस मौके पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और DDC काउंसिल के बशीर नायक भी मौजूद थे। वहीं पूर्व मंत्री विकार रसूल ने BJP पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि BJP ने लूट खसूट का दौर चलाया हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बनिहाल में BJP का सफाया कर दिया। जम्मू में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, अब हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। जम्मू यूनिवर्सिटी व अन्य कॉलेजों में ऑनलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं। हमारे डायरेक्टर से इस बार कई बार बातचीत भी हुई, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी आदेश दूसरे कॉलेजों के लिए अलग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए अलग कैसे हो सकते हैं? हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है, अब हमारे एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। जम्मू के वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर में छात्राओं द्वारा कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते पढ़ाई सफर हुई है, ऑनलाइन हमने पढ़ाई की। छात्रों की मांग है कि हमारे सिलेबस को भी कम किया जाए और हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए। जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में हुए चुनाव में BJP पार्टी के उम्मीदवार लालचंद को जिला परिषद चुनाव के चेयरमैन जबकि जूही पठानिया को वाइस चेयरमैन चुन लिया गया। जिला डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला पुलिस द्वारा एक रेंज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर DDC डोडा डॉक्टर सागर डी डायफोर्ट मुख्य अतिथि थे। इस दौरान जिला विकास पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। इस रेंज लेवल टूर्नामेंट में डोडा किश्तवाड़ रामबन की टीमें मैच लीग आधार पर खेलेंगी। इस टूर्नामेंट को देखने बड़ी तादाद में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के दो युवकों ने असॉल्ट राइफल के साथ तस्वीर खिंचाकर अपने आप को आतंकी संगठन अलबदर मुजाहिदीन में शामिल होने का ऐलान किया। सोशल मीडिया में वायरल हुई इन तस्वीरों में दावा किया गया है ये दोनों युवक पुलवामा के खुरे और समपोरा इलाके के हैं। वहीं इनके परिवार वालों का बुरा हाल है। एक आतंकी की माँ उसे अपील करते हुए घर लौटने को कह रही है, कोई भी उसको परेशान नहीं करेगा, आप वापस घर लौटाओ। कश्मीर घाटी के चरण गांव बीरवा के स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में बिजली प्राप्त करने वाले रिसीविंग स्टेशन की खातिर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन द्वारा अप्रूव्ड है, लेकिन दस्तावेजों में OY नहीं दिया गया। उन्होंने 30,000 निवासियों के लाभ के लिए रिसीविंग स्टेशन स्थापित करने की प्रशासन से मांग की।